आज किसानों के फसल का समय है, किसानों को ना गोदामों पे यूरिया मिल रहा है, ना डीएपी मिल रही है। हम लोग तहसील जाए तो तहसील में किसानों को सुना तक नहीं जाता, ब्लॉक में गांव का संबंधित कार्यों को लेकर के जाए वहां कोई विकास संबंधित कार्य नहीं होते। इस संविधान में खूबसूरती बनाई गई थी कि वह विलेज डेवलपमेंट को लेकर के जो काम किया जाए उसमें हम एक जनता के द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि होगा और एक शिक्षा प्राप्त करके और एक एग्जाम पास करके उसको सरकारी कर्मचारी के रूप में तैनात करते हैं वो व्यक्ति होता है सेक्रेटरी, पंचायत सचिव। जिस तरीके से नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन और नगर पंचायत ईओ, तो उसमें बात यह आई कि अगर चेयरमैन गलत करता है, चेयरमैन अगर गांव का शहर का विकास में बाधा पैदा करता है, विकास संबंधित कार्य सही नहीं करता, तो वहां ईओ उनके खिलाफ एक्शन ले, या ईओ कहीं दुरुपयोग करता तो उसके खिलाफ जनप्रतिनिधि जो है कार्रवाई करे। लेकिन आज हो क्या गया है, 77 वर्ष की आजादी के बाद दोनों लोग मिल गए, जिन दोनों लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको देश के गांवों और शहरों की व्यवस्था बेहतर बनानी है, वह सब लोग मिल गए हैं और दबा करके हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। आप सब लोग भी कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान बनता है तो उसके पास उसकी व्यवस्था आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन प्रधान बनने के 5 वर्ष में उसकी सारी व्यवस्थाएं आर्थिक तौर की मजबूत हो जाती है। भाई कहां से होगी, क्या 5,000 रुपए की भत्ता में हो गई? प्रधान को 5,200 रुपए भत्ता मिलता है, मनोज जी इतना ही मिलता होगा क्या? 5,000 रुपए जो सेवा के नाम पे तुम्हें भत्ता मिल रहा है, उस भत्ता में तुम लोग कोठी बना लिए, गाड़ी खरीद लिए, बोलेरो आ जाती है 1 महीने में, तो वो किसके पैसे से आ रही है? वो हमारे और आपके पैसे से आ रही है। तो मूल जो काम है हमारा वो ये है कि जो पैसा प्रदेश और देश की सरकार दे उसका पाई पाई गांव के विकास में लगना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर एक पंचवर्षीय योजना में ईमानदारी से गांव में शहर में ईमानदारी से उस पैसे को खर्च कर दिया जाए तो मैं कहता हूं कि आने वाले 10 वर्ष तक नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में डेवलपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सड़कों की बात करें हम, सड़क 5 साल चलनी चाहिए कम से कम, काली सड़क वो सड़क मात्र 2 वर्ष में उखड़ जा रही है। हम लोग बात करें आज किसी भी दूसरे विभाग की, तमाम विभागों में जो है इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि आज लोगों को उनके समय अनुसार जो कार्य होना चाहिए वो कार्य नहीं होते। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए हमारे अंदर एक विचार पैदा हुआ कि भाई हम लोग एक ऐसा स्वतंत्र संगठन का निर्माण करें जिस बैनर पे हम गांव के गरीब किसान मजदूर दलित शोषित वंचित की आवाज को उठा सकें और उनको न्याय दिला सकें। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो वहां के गांवों की तस्वीरों डेवलपमेंट के मामले में हम लोगों ने तस्वीरें बदल दी हैं, बहुत सुंदर गांव बना दिए हैं। बुलंदशहर में भी हमने बड़े स्तर पर काम किया, गाजियाबाद मुजफ्फरनगर शामली में भी बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने काम किया है। अब बात आती है हाथरस की। हाथरस में मुझे दूसरी तीसरी बार आने का मौका मिला और इस तरीके की बैठक पहली बार हम लोग कर रहे हैं। तो इस बैठक में हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि भाई अगर वाकई हम लोगों का शोषण हो रहा है, वाकई ये दर्द है कि भाई देश का बेहतर विकास होना चाहिए और देश सिर्फ खाली हाथरस ही नहीं है, देश में तमाम 700 कुछ जिले आते हैं, 7 लाख कुछ गांव आते हैं, तो उन गांव और पूरे भारत के 700 कुछ जिलों का डेवलपमेंट और भारत में रहने वाले लोगों को न्याय दिलाने का काम प्रत्येक भारतीय का। अगर हमारे यहाँ अब आप ये देखिएगा कितनी बड़ी विडंबना है इस भारत में, जब यहाँ प्रधान जिला पंचायत सदस्य या MLMP का चुनाव होता है तो तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हमारे पास आते हैं, आते होंगे वोट मांगने, वह प्रत्याशी हमारे बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि हमें मतदान दीजिएगा और युवाओं को गले लगाते हैं
लेकिन जीतने के बाद वो कौन सी बीमारी हो जाती है कि हमारे बुजुर्गों को पहचानने से भूल जाते हैं, जिनके चरण स्पर्श कर रहे थे, उन युवाओं को भूल जाते जिनको गले लगा करके ये वादा किया गया था कि 5 साल में आपके गांव और शहर की तस्वीर बदल दी जाएगी। वो ये भी है, जीतने के बाद ऐसी कौन सी परेशानी हो जाती है, वो परेशानी ये है कि हम लोग जो इस देश का मूल मतदाता है, जो इस देश का राजा है, वह राजा यह भूल जाता है कि मेरी ताकत क्या है। हम लोग मत का प्रयोग करके अंतिम व्यक्ति को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाते हैं, लेकिन जीतने के बाद जितनी ताकत चुनाव के समय में अपने प्रत्याशी के जिताने के लिए ताकत लगाते हैं, अगर उतनी ताकत ईमानदारी से काम कराने के लिए लगा दें, तो मैं कहता हूं कि ये भारत भ्रष्टाचार मुक्त बन जाएगा। लेकिन हम लोग जीतने के बाद उसको खुला सांड की तरह छोड़ देते हैं कि भैया जो तुम्हें करना है वो करो, तुम हमारे पक्ष के हो, तुम हमारे जात के हो, तुम हमारे देश धर्म के हो, तुम हमारे मोहल्ले के हो, तुम हमारे गांव के हो। लेकिन जिस जिम्मेदारी के साथ हमने उसको वोट दिया, उसी जिम्मेदारी के साथ हमें ये भी अपने गांव का विकास कराना चाहिए और गांव की समस्याओं का समाधान कराना चाहिए। तो साथियों, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि जिले में जो डीएम बैठे हैं, जिले में जो एसडीएम बैठे हैं तहसीलों में, ब्लॉक में जो वीडियो बैठे हैं, जिले विकास भवन में जो सीडीओ और डीपीआरओ बैठे हैं, उनका काम है कि वो गांव गांव मनोज जी जाए और डीपीआरओ और सीडीओ ये देखें कि ग्राम पंचायत के द्वारा कितना काम हुआ है, गांव के लोगों की क्या समस्याएं हैं। डीएम का यह दायित्व बनता है कि तुम्हारे नेतृत्व में इस जिले का संचालन हो रहा है, कहीं कोई जिले का अंतिम व्यक्ति परेशान तो नहीं है। एसएसपी का यह दायित्व बनता है, एसपी का यह दायित्व बनता है कि कहीं तुम्हारी पुलिस से कोई व्यक्ति भयभीत तो नहीं है, जबकि पुलिस से